नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम है रंजीत और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग किसान भाइयों आज हम बात करेंगे फसलों में लगने वाले सभी प्रकार के रस चूसक कीटों के लिए यू की रेनो कीटनाशक के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत से किसान भाइयों का सवाल है कि थायोमिथॉक्सन 30 परसेंट एफेक्ट्स के बारे में और कुछ किसान भाइयों को ये भी सवाल है कि इसे हम धान में बी कंट्रोल के लिए स्प्रे कर सकते हैं या नहीं तो उनका जवाब है हाँ जी कर सकते हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके और कुछ किसान भाइयों के कमेंट थे कि इसे हम जहाँ पे बीपीएच का अटैक बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सजेंटा की चेस और पीआई की ओशिन के साथ डाल सकते हैं या नहीं तो आप डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज की वीडियो में हम रेनु कीटनाशक के बारे में बात करेंगे जो कि पौधों के विभिन्न हिस्सों में सभी प्रकार के रस चूसक कीटों के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है इसके अलावा इसे हम बीज उपचार के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं तो हम इस वीडियो में रेनु कीटनाशक के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि रेनु कीटनाशक कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से रस चूसे कीटों का कंट्रोल करता है और इससे हम कौन कौन से बीजों का उपचार कर सकते हैं और रेनु कीटनाशक में टेक्निकल क्या है और ये कैसे काम करता है इसकी मात्रा क्या है इसका रिज़ल्ट कितने दिन का है और इसकी कीमत क्या है तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो वीडियो के नीचे दिए गए लारंग के बटन को दबा दीजिए ताकि खेती से संबंधित नई नई वीडियो आपको समय समय से मिलती रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे यूपीएल का रेनो के बारे में कि रेनो क्या है रेनो एक शक्तिशाली कीटनाशक है और इसमें टेक्निकल है थायोमिथॉक्सम 30% परसेंट एफ एस एफ एस का मतलब फ्लोएबल कंसनट्रेट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और एफ एस फॉर्मुलेशन यह ऐसी मतलब सस्पेंशन कंसंट्रेट का एक संशोधन है और ये एक कंटेक्ट स्टमक एंड सिस्टमिक एक्टिविटी वाली इंसेक्टिसाइड है मतलब ये संपर्क पेट और सिस्टम के माध्यम से रस चूसक कीटों पर अटैक करता है इसके अलावा ये यूनिक सिस्टमिक बीज उपचार कीटनाशक भी है और ये पर्यावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित है इसलिए ये कीटनाशक ब्लू लेवल में आती है और मैंने अभी तक जितनी भी थायोमिथॉक्सन तीस परसेंट को प्रयोग किया है तो ये सब गाढ़े लाल गुलाबी रंग में देखा है तो अगर आपने भी था मिथॉक्सन तीस परसेंट का प्रयोग किया है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कौन से रंग में इसे देखा है और अब बात करते हैं कि रैनो कीटनाशक कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से रस चूसक कीटों का कंट्रोल करता है तो किसान भाइयों रैनो कीटनाशक धान की फसल में बीपीएच मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर डब्ल्यू मतलब वाइट बैक प्लांट हॉपर वॉल मार्गआउट और ग्रीन लीफ हॉपर्स को कंट्रोल करता है और धान के अलावा कपास की फसल में एफिड्स जैसिड्स और वाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है मिर्च की फसल में थ्रिप्स को कंट्रोल करता है गेहूँ की फसल में टर्माइट को कंट्रोल करता है मक्का और सोयाबीन की फसल में स्टेम फ्लाई को कंट्रोल करता है भिंडी और सूरजमुखी की फसल में जैसिड्स और थ्रिप्स को कंट्रोल करता है इसके अलावा ये मिट्टी में रहने वाले कीड जैसे कि एफिड्स वायर पिस्सू बीटल और लीब माइनर से नियंत्रण प्रदान करता है अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में तो किसान भाइयों स्प्रे में इसकी मात्रा है ढाई सौ प्रति एकड़ और बीज उपचार में इसकी मात्रा है चार एम से दस एम प्रति के बीज के लिए और अगर आप धान में बी के लिए रैनो को किसी और सिस्टमिक टेक्निकल के साथ डालें तो इसकी मात्रा है 200 सौ प्रति एकड़ जैसे कि अगर धान में बी का अटैक ज़्यादा हो गया है तो आप सजेंटा की चेस या पी की ओशिन के साथ किसी भी कंपनी का थायोमेथॉक्सन 30% परसेंट डालें तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप स्प्रे में 200 लीटर प्रति एकड़ पानी का ही प्रयोग करें और आप शाम के समय स्प्रे करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट के बारे में तो इसका रिजल्ट स्प्रे में पंद्रह से अठारह दिन तक रहता है और इसका पैकिंग साइज आता है पचास एम एल सौ एम एल ढाई सौ एम एल पाँच सौ एम एल और एक लीटर और ढाई सौ एम एल पैक की कीमत है चार सौ रुपये तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यू पी एल की रेनो कीटनाशक के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और किसान भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद